तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई भी हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर है वो खराब है या फिर सही काम कर रहा है, हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा सेंसर खराब हो चुका है और उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। हम 2-3 टेस्ट परफॉर्म करेंगे सेंसर के ऊपर कि जिससे ये पता लग पाए कि हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि ये चीज क्लियर हो जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं, क्योंकि खराब सेंसर के साथ हम बार बार काम कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं लगता कि सेंसर हमारा खराब है। तो 2-3 पैरामीटर्स हैं, उनको समझ लो, वो क्लियर हो जाएगी चीजें। इंटरव्यू वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम लोड जो ट्रिगर हो सकता है तो ये रहा हमारे पास एक इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ये एक एनपीएन टाइप सेंसर है, मतलब एक ये एनपीएन आउटपुट देगा, और ये एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है जो 3 वायर का सेंसर है। 3 वायर नेमली, मतलब इसमें एक 2 पावर सप्लाई के और एक आउटपुट का होगा। कनेक्शन को इसके कुछ इस तरह से हैं, जो रेड वाला है वो है पॉजिटिव, और जो ब्लू वाला है वो है नेगेटिव, और ब्लैक वाला है आउटपुट जो एनपीएन टाइप है। इस सेंसर की ऑपरेटिंग वोल्टेज होती है 5 to 40 volt VDC। अब स्टार्ट करते हैं, पहले इस कंट्रोल यूनिट को समझ लेते हैं। ये कंट्रोल यूनिट 220 volt VAC को 24 volt VDC में कन्वर्ट कर रही है, जो सेंसर की पावर सप्लाई है। और इसमें जो आउटपुट वायर है जो ब्लैक है वो PNP कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है, मतलब जब वो ऑन होगी तो PNP रिले ऑन होगी। तो ये रहे मेरे दोनों PNP टाइप सेंसर, दोनों मेटल को सेंस करते हैं, और अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही सेंसर है और कौन सा खराब सेंसर है। ये रहा मेरे पास मेटालिक टारगेट, और ये सेंसर मेटल को सेंस करेंगे। तो मैं एक सेंसर के सेंसिंग रेंज में लाता हूँ, मैं बैक इंडिकेशन LED से देख पा रहा हूँ कि ये सेंसर मेरा परफेक्टली काम कर रहा है। LED ऑन ऑफ हो रही है और मेरे को आउटपुट भी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। बट अब जैसे ही मैं ये सेंसर लाता हूँ मेरी LED ऑलरेडी ऑन रहती है, टारगेट की प्रेजेंस में भी और टारगेट की एब्सेंस में भी। इसका मतलब ये है कि ये सेंसर मेरा ख़राब सेंसर है, और मेरे को ये पता रहना चाहिए कि कौन सा सेंसर मेरा ख़राब है और कौन सेंसर मेरा सही है। तो ये हमें पता लगा कि ये वाला सेंसर सही है क्योंकि टारगेट के एब्सेंस और प्रेजेंस में ये आउटपुट चेंज कर रहा था, बट ये वाला सेंसर ख़राब है हमारा। अब हम इस सेंसर के हमने आउटपुट में एक लोड कनेक्ट किया है। अब लोड के साथ क्या होता है, जैसे हम टारगेट लेकर आते हैं लोड ऑन ऑफ होता है, जब टारगेट की प्रेजेंस में होता है सेंसर आउटपुट देता है और लोड ऑन हो जाता है हमारा, जो हमारा बल्ब है यहाँ पे। बट अगर हम जैसे ही अगर हम खराब वाला सेंसर लेंगे वो ऑलरेडी आउटपुट दे रहा होगा, जिसकी वजह से लोड पहले ही ऑन हो जाएगा। होना ये चाहिए था जब टारगेट आए तो मेरा लोड ऑन हुए, बट यहाँ पे सेंसर ऑलरेडी आउटपुट दे रहा है। इससे पता लगा कि मेरा सेंसर ये वाला ख़राब है और इसको रिप्लेसमेंट की जरूरत है। LED इंडिकेशन ऑलरेडी ऑन हो गई। तो अब मल्टीमीटर की रीडिंग के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। मल्टीमीटर के प्रोब्स, और मैंने अभी सेंसर को सप्लाई दी है 24 volt DC अप्रॉक्सीमेटली, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे रीडिंग के हिसाब से। और अब मैं देखूंगा सेंसर की आउटपुट में क्या वोल्टेज आती है। एक एंड में पॉजिटिव में कनेक्ट करता हूँ और एक एंड सेंसर की ब्लैक वायर जो आउटपुट वायर है वहाँ पे भी 24 volt VDC आ रही होती है अप्रॉक्सीमेटली। अब देखते हैं कि टारगेट लगाने से और ना लगाने से वोल्टेज पे क्या असर पड़ता है। तो जैसे ही मैंने टारगेट लिया मेटालिक और लगाया, मैंने देखा कि PNP टाइप रिले मेरी ऑन हो गई यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगा, वोल्टेज मेजर करूँगा आउटपुट में क्या आई। पॉजिटिव वाला पॉजिटिव पे लगाया और नेगेटिव वाला मैंने आउटपुट में लगाया, मेरा 0 वोल्ट आता है अप्रॉक्सीमेटली। तो इससे मेरे को पता लगा कि मेरा सेंसर सही काम कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टारगेट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो मेरे को वोल्टेज वेरिएशन मिलती है, ये सेंसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। बट अगर मैं जैसी एक ख़राब सेंसर लेता हूँ वो ऑलरेडी आउटपुट देगा मेरे को, और जो वोल्टेज वेरिएशन नहीं मिलेगी मेरे को, चाहे वो टारगेट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो। मैं चेक करता हूँ अब मल्टीमीटर से, अप्रॉक्सीमेटली 0 वोल्ट आ रही होती है जब कोई टारगेट प्रेजेंट नहीं होता। देख पा रहे हैं हम जैसे कि हो क्या रहा है इसमें,
और अब जैसे हम टारगेट लेकर आते हैं, मैंने टारगेट को सेंसर के सामने प्लेस किया और मैंने फिर वोल्टेज मेजर की, मेरे को सेम वोल्टेज मिली। जब सेंसर सही काम करता है तो मेरे को एक वोल्टेज वेरिएशन मिलती है, 24 वोल्ट VDC आउटपुट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट इस केस में मेरे को दोनों केस में, चाहे टारगेट प्रेजेंट हो एब्सेंट हो, दोनों में 0 वोल्ट मिलती है। इसका मतलब ये सेंसर खराब है, और जो दूसरा वाला सेंसर, ये वाला सेंसर बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है इस वीडियो के साथ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।